बच्चों वेलकम टू न्यू लाइट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट नीट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी टेस्ट 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मच आरबीसी एमएमक्यू डू अ हेल्दी मैन हैव। तो बच्चों हेल्दी मैन में आरबीसी का नंबर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मच हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग। 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो हाउ मच हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड इज इट 12 to 16 ग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC। जब बेटा WBC की बात करते हैं तो WBC में अबंडेंट सेल की बात करी जाती है तो फिर न्यूट्रोफिल याद आ जाए शो 60 to 65% होता है, और अगर लीस्ट अमाउंट की बात करी जाती है तो फिर बेसोफिल याद आ जाए। बेसोफिल 0.5 to 1% होते हैं। सो मोस्ट अबंडेंट सेल विच आर 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC विच इज नथिंग, इट इज ए न्यूट्रोफिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ल्यूकोसाइट आर फैगोसाइटिक सेल्स डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। बच्चों जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये ल्यूकोसाइट में वो ल्यूकोसाइट जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं उन्हें हम लोग न्यूट्रोफिल के तौर पर याद रखते हैं और हम लोग इन्हें मोनोसाइट्स के तौर पर याद रखते हैं। मोनोसाइट्स एग्रोनुलर होती हैं और न्यूट्रोफिल ग्रेनुलर होते हैं। सो केस विच ल्यूकोसाइट इज फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, इट इज न्यूट्रोफिल एज वेल एज मोनोसाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रोफिल।
क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ हेल्दी इंडिविजुअल हैव अ 20-25 ग्राम हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ब्लड. 100 ml ब्लड में ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. प्लेटलेट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन कॉगुलेशन ऑफ ब्लड. प्लेटलेट ब्लड कॉगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स. एंड लिम्फोसाइट आर द 90-95%. नो, लिम्फोसाइट्स आर 20-25%. सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. जो बेसोफिल्स होती हैं, दे सीक्रेट सेरोटोनिन, दे सीक्रेट हिपेरिन, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एंड दिस इज ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5th इज ऑप्शन 3rd. क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप, विच ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजिन? द ब्लड ग्रुप की नेमिंग एंटीजिन पर डिपेंड करती है. इफ एंटीजिन ए प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप ए मीन्स एंटीजिन इज ए सुगर विच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ए. इफ सरफेस मेम्ब्रेन है बी एंटीजिन, ब्लड ग्रुप बी, एंड सरफेस हैव ए एंड बी, ब्लड ग्रुप इज ए बी बट सरफेस हैव नो एंटीजिन, इट इज ब्लड ग्रुप इज ओ. सो अकॉर्डिंग टू ए बी ए ब्लड ग्रुप विच हैव नो एंटीजिन कॉल्ड ब्लड ग्रुप ओ. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th. क्वेश्चन नंबर 7, आर एच इन कॉम्पैटिबल मैरिज. तो आर एच इन कॉम्पैटिबल मैरिज का केस, आर एच पॉजिटिव फादर और आर एच निगेटिव मदर से एसोसिएटेड होता है. सेकेंड प्रेगनेंसी इरिथ्रो ब्लास्टोसिस की सफरर होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 7th. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1st, आर एच निगेटिव फीमेल एंड आर एच पॉजिटिव मेल. क्वेश्चन नंबर 8, विच वन हैज ओनली वन एंट्रम? बेटा जब हम लोगों ने फिशेस के बारे में पढ़ा था तो फिशेस में बेटा 2 चैम्बर हर्ट पाया जाता है, और 2 चैम्बर हर्ट जो होता है वो रखता है वन एट्रियम को और वन वेंट्रिकल को. और फिशेस में हमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन देखने को मिलता है. हार्ट इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है
और इम्प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो ओनली वन एंट्रम इज प्रेजेंट इन फिशेस बिकॉज फिशेस हैव टू चैम्बर हार्ट, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन विच रेप्टाइल्स? बेटा फोर चैम्बर हार्ट, बर्ड्स में देखने को मिलते हैं, फोर चैम्बर हार्ट्स मैमल्स में देखने को मिलता है, और फोर चैम्बर हार्ट हमें कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है. सम रेप्टाइल्स, और ये रेप्टाइल्स कुछ और नहीं, इट इज क्रोकोडाइल्स. बट इन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विच रेप्टाइल विच हैव अ फोर चैम्बर हार्ट? सो क्रोकोडाइल इज ए रेप्टाइल विच हैव अ फोर चैम्बर हार्ट. बर्ड हैव फोर चैम्बर, मैमल्स हैव फोर चैम्बर, बट इट इज नॉट ए रेप्टाइल. सो क्रोकोडाइल इज ए रेप्टाइल विच हैव अ फोर चैम्बर हार्ट. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नाइन्थ इज ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 10, विच वन हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड ओपन पॉट्स में बहता है, और इन ओपन पॉट्स को साइनेसिस कहते हैं. और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमें हीरोडिनेरिया लीच में देखने को मिला था, ये हमें आर्थोपॉड इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, ये हमें मौसम मोलस्क में देखने को मिला है, ये हमें हेमी कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, ये हमें प्रोटोकार्डेट्स में देखने को मिलता है. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया लीच, आर्थोपोड इंसेक्ट, मोलस्क, हेमी कार्डेट एंड प्रोटोकार्ड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए इज रिप्रेजेंटेड बाई एरोटा, बी इज रिप्रेजेंटेड बाई वेना कावा, सी इज रिप्रेजेंटेड बाई एसे नोट, एंड डी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वी नोट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड. ए इज एरोटा बट सी इज नॉट वेना कावा, बट बी इज नॉट एरोटा, सी इज नॉट एरोटा बट सी इज एसे नोट, एंड डी इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 12, द ऑरिजिन ऑफ हार्ट इज? तो बच्चों हार्ट की ऑरिजिन मीजोडर्मल होती है. हार्ट की ऑरिजिन मीजोडर्मल होती है. हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ब्लड की स्टडी को
हीमेटोलॉजी कहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं। सो ऑरिजिन ऑफ हर्ट इज मेसोडर्मल, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई। बेटा जब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट है 4 चैंबर, अपर टू चैंबर कार्ड यूरिकल एंड लोअर टू चैंबर कार्ड वेंट्रिकल। ये राइट साइड है और ये बेटा लेफ्ट साइड है। राइट साइड का यूरिकल और राइट साइड का वेंट्रिकल जिस वाल्व से गार्ड होता है इसे हम लोग ट्राइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। तो इसे याद करने के लिए याद करते हैं RT एंड LV। राइट साइड में ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकैस्पिड वाल्व होते हैं। सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आर गार्डेड बाई ट्राइकैस्पिड वाल्व। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। बट बच्चों जो थिबेशियन वाल्व होता है ये थिबेशियन वाल्व कोरोनरी साइनस पर लोकेट करता है, कोरोनरी साइनस पर लोकेट करता है। तो कोरोनरी साइनस है वे थिबेशियन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी टाइम हार्ट बीट पर मिनट। जब बेटा ऐसे नोड काम करता है, ऐसे नोड जब एक्टिव होता है तो वो 70-75 पर मिनट की एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। और ये एक्शन 70-75 का एक्शन पोटेंशियल हार्ट बीट में कन्वर्ट होता है। तो ना जनरली 70-75 टाइम हार्ट बीट देखने को मिलती है और एवरेज जब निकालते हैं तो 72 टाइम्स आता है। सो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट बीट पर मिनट, इट इज 70-75 टाइम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ड्यूरिंग ECG? ECG की प्रोसेस में एट्रिया का डीपोलराइजेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? ECG में बच्चों हमें पी वेव देखने को मिलती है, हमें QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, हमें टी वेव देखने को मिलती है। बेटा पी वेव ऐसे नोड की एक्टिविटी को बताती है, ऐसे नोड की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। ये यूरिकुलर या एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। ये एट्रियल सिस्टॉल को शो करता है और QRS AV नोड की एक्टिविटी को बताता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है और टी वेव एंड ऑफ सिस्टॉल को शो करती है, एंड ऑफ सिस्टॉल को शो करती है। और ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करती है। सो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया
is shown by P wave. So correct option is option first, P wave. Question number 16, heartbeat will decrease by which neural signal? बेटा कौन से सिग्नल से हार्ट बीट डिक्रीज करती है? तो बच्चों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हैव टू पार्ट, वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनदर इज पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हार्ट बीट एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हार्ट बीट एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हार्ट बीट विल डिक्रीज बाय विच न्यूरो सिग्नल, इट इज रिलेटेड विद पैरासिंपैथेटिक नर्व. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड. बेटा हार्मोन ऑफ मेडुला जो होते हैं वो इस एक्सरसाइज को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते. हाउ मच परसेंट ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा? जो बेटा प्लाज्मा होता है ये टोटल ब्लड का 55% बनाता है. इस 55% पार्ट में 92% वाटर होता है और 6-8% प्रोटीन होती हैं. ये प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती हैं जो हमें फाइब्रिनोजन एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के तौर पर याद रखते हैं. तो टोटल परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इट इज 6-8%. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फाइब्रिनोजन हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर. फाइब्रिनोजन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं करती बल्कि फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है. ग्लूकोस एब्सेंट इन प्लाज्मा. ग्लूकोस और एमिनो एसिड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. सो ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स, बट सीरम डज नॉट क्लॉट बिकॉज इसे प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है, इसलिए ये क्लॉट नहीं होता. लिम्फ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. सो सी एंड डी आर ट्रू बट ए एंड बी आर फॉल्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड. विच वन इज यूरोटेलिक इन नेचर? कौन यूरोटेलिक इन नेचर होता है? ऐसे ऑर्गनिस जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया बनती है, यूरिया के फॉर्म में इलिमिनेट करते हैं, ऐसे ऑर्गनिस्म को यूरियोटेलिक कहते हैं. बेसिकली ये यूरिया का फॉर्मेशन टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन होता है.
टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन होता है। ये मैमल्स में देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में देखने को मिलता है और मैराइन फिशेस में देखने को मिलता है, मैराइन फिशेस में देखने को मिलता है। सो यूरियोटेलिक कंडीशन प्रेजेंट इन नॉट ए एक्वाटिक इंसेक्ट, बर्ड्स एंड स्नेक आर यूरिकोटेलिक, बट मैराइन फिशेस आर यूरियोटेलिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। विच वन इज अमोनियोटेलिक? अमोनियोटेलिक कंडीशन एक्वाटिक अडॉप्टेशन की होती है। एक्वाटिक अडॉप्टेशन की होती है। सो अमोनियोटेलिक नेचर प्रेजेंट इन एक्वाटिक इंसेक्ट, ह्यूमन यूरियोटेलिक, बर्ड स्नेक यूरिकोटेलिक, बट एक्वाटिक इंसेक्ट इज अमोनियोटेलिक। सो 20 करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एस रीनल कॉलम कॉल्ड एस। बेटा जब कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड में एक्सटेंड कर जाती है, ऐसे स्ट्रक्चर को कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। बेटा जेजी सेल सीक्रेट करती है एक एंजाइम जिसे रेनिन कहते हैं। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है और एंजियोटेंसिन पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। सो एंजाइम विच आर सीक्रेटेड बाई जीजी सेल कॉल्ड रेनिन विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजिन इंटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, रेनिन इज रिलीज्ड बाई, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि रेनिन इज रिलीज्ड बाई जे जी सेल विच इज कॉल्ड जक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर सेल। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी गिवन डायग्राम, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ए ऑप्शन एफरेंट आर्ट्रियोल को रिप्रेजेंट करता है, एफरेंट
आर्ट्रियोल को रिप्रेजेंट करता है, बी ऑप्शन इफरेंट आर्ट्रियोल को रिप्रेजेंट करता है, सी ऑप्शन बोमेन कैप्सूल को रिप्रेजेंट करता है, डी ऑप्शन पीसीटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 24 करेक्ट ऑप्शन इज बी एफरेंट आर्टियोल एंड सी बोमेन कैप्सूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, ए माइन्यूट वेसल रन्स पैरेलल टू हेले लूप ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इज कॉल्ड एस। बेटा इफरेंट आर्ट्रियोल पेरी टूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती है और इस नेटवर्क का वन पार्ट हेले लूप को कवर करता है, ऐसे स्ट्रक्चर को वासा रेक्टा कहते हैं। सो अ माइन्यूट वेसल रन्स पैरेलल टू हेले लूप ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन विच इज कॉल्ड एज ए वासा रेक्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। एडीएचआर वैसोप्रोसिन एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, यहां से ये रिलीज होता है और नेफ्रॉन के डीसीटी और कलेक्टिंग टूबुल पर फंक्शन करता है। सो एडीएच इज ए नॉट ए एंजाइम। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। हार्मोन प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस नो। एनर्जी रिच कंपाउंड नो। बट इट्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी दैट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लैटर पार्ट ऑफ द ट्यूबुल। लैटर पार्ट मीन्स डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, ऑफ द टोटल नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली। बच्चों जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन टोटल नेफ्रॉन का 15% पार्ट बनाते हैं। बेटा ये लार्ज साइज के होते हैं, इनमें हेनले लूप लॉन्ग होता है, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, बट अगर बात हम लोग कार्टिकल नेफ्रॉन की करते हैं तो कार्टिकल नेफ्रॉन 85% बनाता है। ये स्मॉल होते हैं, इनमें हेनले लूप शॉर्ट होता है, वासा रेक्टा एब्सेंट होती है। सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन फॉर्म 15% पार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट।
द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एस। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ऐसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन के तौर पर जानते हैं। और डाइजेशन की एक्सरसाइज मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस से टेक प्लेस होती है। सो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। डाइजेस्टेड वेस्ट का बॉडी से बाहर इलिमिनेट करना हो जाना इजेशन कहलाता है। एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस का एसिमिलेट हो जाना एसिमिलेशन कहलाता है। नए प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कहलाता है। ह्यूमन बींग हैव ए टू सेट्स ऑफ द टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड। तो अगर टू सेट ऑफ टीथ की बात करते हैं और वन सेट ऑफ टीथ की बात करते हैं, तो वन सेट की बात जब करी जाती है तो इट इज कॉल्ड एज ए मोनोफियोडोंट। और अगर दो सेट की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड डिफ्यूडोंट। और अगर मैनी की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीफ्यूडोंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज एडल्ट ह्यूमन बींग्स में डेंटल अरेंजमेंट 2-1 2-3 अपॉन 2-1 2-3 का अरेंजमेंट शो करते हैं। 2-1 2-3 का अरेंजमेंट शो करते हैं। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर हाफ जा अरेंजमेंट शो होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग इज 2-1-3 2-1-2-3 upon 2-1-2-3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ। हार्ड च्यूइंग सरफेस जो टीथ की होती है वो बेटा इनेमल से फॉर्म होती है। सो हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल्स। क्वेश्चन नंबर 32। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एस। बेटा जो टंग की अपर सरफेस होती है इस पे बहुत से स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शंस को पैपली कहा जाता है। जो पैपलीज होती हैं वो पैपली विद एंड विदाउट टेस्ट बड होती हैं। सो स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ द टंग्स अपर सरफेस कॉल्ड एज पैपली।
बेटा टेस्ट बड की बात होती है, टीथ बड की बात नहीं होती। हार्ड च्यूइंग सरफेस एनेमल कहलाता है और टंग फ्रेनुलम के केस में याद रखते हैं, टंग का अटैचमेंट फ्लोर ऑफ कैविटी फ्रेनुलम कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड पैपली। क्वेश्चन नंबर 33, विच एनिमल एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय गिल्स। गिल्स एक्वाटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और एक्वाटिक कंडीशन में रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू, ये वास्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जरा ध्यान करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। पाइला एक्वाटिक कंडीशन में, यूप्रॉन एक्वाटिक कंडीशन में, यूनियो एक्वाटिक कंडीशन में। सो ऑल ऑफ थ्री आर एग्जिस्ट इन एक्वाटिक कंडीशन, परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ गिल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। हाउ मच द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? जब बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी जाती है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 to 3000 ml। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। बट अगर हम लोग 500 ml की बात करते हैं तो 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम, अलेवन हंड्रेड ml to 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, और 1000 to 1100 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500 to 3000 ml। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। वॉल्यूम ऑफ द एयर विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। वो वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में रह जाता है, ऐसे वॉल्यूम को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को मिलाकर बनती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ml और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 ml के आसपास। टोटल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लगभग 2200 ml मिलती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रीशन होता है,
ये स्टमक में लोकेट करती है, और जो स्टमक में लोकेट करती है यहाँ तीन सेल तीन चीज़ों का सीक्रिशन करती हैं। तो स्टमक में काम करने वाला प्रोटोलिटिक एंजाइम पेप्सिन होता है, और इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला प्रोटोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। सो विच प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रोग्लिटिक गैस्ट्रिक जूस? सो प्रेप्सिन इज ए प्रोटोलिटिक एंजाइम। लाइपेज हेल्प इन फैट डाइजेशन, एमाइलेज इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ट्रिप्सिन इज ए प्रोटोलिटिक एंजाइम बट इन इंटेस्टाइन, बट पेप्सिन इन पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन फोर्थ। विच वन एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजिन? कौन है जो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है? पैंक्रियास सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को, और इस पैंक्रियाटिक जूस में एक्टिव इनएक्टिव प्रोटोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जिसे ट्रिप्सिनोजिन कहते हैं, और इस ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदला जाता है, और इस कन्वर्जन को करने की जिम्मेदारी जिसके पास है उसे एंटीरोकाइनेस कहते हैं, और ये एंटीरोकाइनेस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सीक्रेट होता है। सो एंटीरोकाइनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 37 इज ऑप्शन फोर्थ। विच वन इज डाइसैकेराइड? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डाइसैकेराइड का है? तो ग्लूकोस मोनोसैकेराइड होता है, फ्रक्टोस मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोस मोनोसैकेराइड होता है, बट सुक्रोस इज डाइसैकेराइड विच हैव टू मोनोसैकेराइड, वन इज ग्लूकोस एंड अनदर इज फ्रक्टोस। तो सुक्रोस इज ए डाइसैकेराइड, सुक्रोस इज ए डाइसैकेराइड विच आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड ग्लूकोस एंड मोनोसैकेराइड फ्रक्टोस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। वॉमिट सेंटर, क्वेश्चन नंबर 39, वॉमिट सेंटर्स फाउंड इन। बच्चों जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो वोमिटिंग सेंटर मेडुला में लोकेट करता है। सो वोमिटिंग सेंटर इज फाउंड इन मेडुला। सो करेक्ट ऑप्शन इज 39 इज ऑप्शन थर्ड, मेडुला। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक एयर? एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो बच्चों एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg, और CO2 का होता है 0.3। बट
O2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में 104 mmHg और O2 का पार्शियल प्रेशर O2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड में 96 mmHg होता है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक एयर इज 159 mmHg. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड. मिल्की टीथ लैक्स मिल्की टीथ की कंडीशन में 2102 कंडीशन एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट टू रिप्रेजेंट एनसीजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर. सो मिल्की टीथ हैव नो प्रीमोलर. सो करेक्ट ऑप्शन इज 41 इज ऑप्शन थर्ड. प्रीमोलर इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्की टीथ कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 42. विच अरेंजमेंट इज करेक्ट आउटसाइड टू द इनसाइड. एलिमेंट्री केनाल की टीएस काटने पर हमें बाहर से अंदर जाने पर कौन सा करेक्ट सीक्वेंस देखने को मिलता है. तो बाहर से अंदर जाने पर सबसे बाहर की लेयर को सिरोसा, इसके अंदर वाली लेयर को मस्कुलेरिस लेयर, जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स रखती है, और इसके अंदर वाली लेयर को सब म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोसा कहा गया था. तो आइए जरा करेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं. सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलेरिस, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा. सो करेक्ट अपर सीक्वेंस में हमें बी ऑप्शन देखने को मिलता है. तो आइए देखते हैं इसमें बी ऑप्शन कहाँ है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ. असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट इज रिलेटेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो एसेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग और सिग्मॉइड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. इट इज कॉल्ड एज ए कोलन. सो एसेंडिंग ट्रांसवर एंड डिसेंडिंग पार्ट रिलेटेड विद कोलन. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 43 इज ऑप्शन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 44. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू मस्कुलेरिस लेयर. जो बच्चों मस्कुलेरिस लेयर होती है ये सेकेंड लेयर होती है, और जो सेकेंड लेयर होती है वो रखती है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. बट हमें ध्यान रखना होगा इट इज केस ऑफ एलिमेंट्री केनाल,
और एलिमेंट्री कैनाल रखती है स्मूथ मसल्स को। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 44, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। गोबलेट सेल म्यूकोसल लेयर में मिलती हैं, म्यूकोसल लेयर में देखने को मिलती हैं, और वो भी किसकी म्यूकोसल लेयर में? इंटेस्टाइन। ये म्यूकस को सीक्रेट करती हैं और म्यूकस लुम्ब्रिकेंट का काम करता है, लुम्ब्रिकेंट का काम करता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 45 इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, ग्लीसन कैप्सूल इज फाउंड इन। बच्चों ग्लीसन कैप्सूल हिपैटिक लोब्यूल्स ऑफ लीवर, लीवर के हिपैटिक लोब्यूल का कवर बनाता है, हिपैटिक लोब्यूल का कवर बनाता है, ऐसे कवरिंग को ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड विद पैंक्रियास, इट इज नॉट रिलेटेड विद गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट इज नॉट रिलेटेड विद इंटेस्टाइन, इट इज रिलेटेड विद लीवर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। विच सलेवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द टंग? कौन सी सलेवरी ग्लैंड बिलो द टंग पाई जाती है? तो जरा ध्यान करेंगे, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड चीक में पाई जाती है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी लोअर जा, सब मैंडिबुलर लोअर जा, बट सब लिंगुअल इज प्रेजेंट इन बिलो टंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मच स्टार्च डाइजेस्टेड बाई सलाइवा इन बकल कैविटी? बकल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड लोकेट करती है, सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सलाइवा को, सलाइवा में पाया जाता है सलेवरी एमाइलेज। जो सलेवरी एमाइलेज है वो 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। तो 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटेड इन बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सलेवरी एमाइलेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, इंट्रिंसिक फैक्टर आर रिलीज्ड बाय, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेट करती है जो रखती है तीन तरह की सेल्स को,
फर्स्ट इज कॉल्ड म्यूकस नेक्सेल, नेक्सेल, म्यूकस नेक्सेल सीक्रेट करती है म्यूकस को, और पेप्टिक सेल और चीफ सेल सीक्रेट करती है पेप्सिनोजिन को, और ऑक्सेंट्रिक सेल और पैराइटल सेल, ऑक्सेंट्रिक सेल और पैराइटल सेल सीक्रेट करती है HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को, जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में काम में आते हैं. सो इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज्ड बाय ऑक्सेंट्रिक सेल आर पैराइटल सेल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. विच वन इज नॉट फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस में HCl देखने को मिलता है, पेप्सिन की प्रेजेंस मिलती है, स्मॉल अमाउंट में लाइपेस भी मिलता है, स्मॉल अमाउंट में लाइपेस भी मिलता है, और मिलता है रेनिन. बट दिस रेनिन इज नॉट प्रेजेंट इन स्टमक, इट इज सीक्रेटेड बाई JG सेल्स इन किडनी. सो रेनिन इज नॉट प्रेजेंट. पर स्पेलिंग पर ध्यान रखेंगे, जिसमें दो N है विच इज रिलेटेड विद गैस्ट्रिक जूस, जिसमें एक N है वो किडनी से रिलेटेड है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑप्शन फर्स्ट. ब्रूनर्स ग्लैंड इज लोकेटेड इन. जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं वो म्यूकोसा, म्यू ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसल लेयर में लोकेट करती हैं, ये म्यूकस को सीक्रेट करती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज फॉर आप 51 इज ऑप्शन टू सब म्यूकोसा. एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस इन. एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में देखने को मिलता है. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस इन स्टमक. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑप्शन थर्ड. ऑप्टिमम pH ऑफ द सलाइवा. सलाइवा बेसिक pH रखता है, बकल कैविटी में फंक्शन करता है, और इसका जो बेसिक pH होता है वो 6.8 होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड. गैस्ट्रिक जूस contains gastric juice gastric juice
गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक ग्रोथ जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रीशन होता है, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वापस आओ, बंद करो इसको दोबारा, हाँ चलो कर दो, आप कर दो, आप करो, कह रहे हैं कि इसको बंद कर दोबारा इसको शुरू करना है, हाँ तो इसको इरेज कर दो फिर शुरू कर दो, हाँ ये कर ले, बीच में ना काटना, क्वेश्चन नंबर 54, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रीशन होता है, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रीशन में पेप्सिन लाइपेस और रेनिन की प्रेजेंस होती है, बट ऑप्शन शो करते हैं कि अनदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन इट इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास एंड पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो जिस जिस ऑप्शन में ट्रिप्सिन है उन सारे ऑप्शंस को निग्लेक्ट कर देंगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ द 54 इज ऑप्शन फर्स्ट, सकस इंट्रिकस इज ए नेम गिवन टू, सकस इंट्रिकस इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सीक्रीशन होता है, इसे इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, इसे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, और यही जूस एंड प्रोडक्ट को बनाता है। सो सकस इंट्रिकस नॉट ए जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट इट इज ए स्वेलिंग गट, नॉट ए अपेंडिक्स, इट इज कॉल्ड एज ए इंटेस्टाइनल जूस, आल्सो कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्वेश्चन नंबर 56, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। जरा बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड की, तो पैरोटिड इज ए टाइप ऑफ सलेवरी ग्लैंड, बाइल रूबिन एंड बाइल ग्लूटिन इज ए पार्ट ऑफ बाइल, स्टार्च हाइड्रोलिसिस डन बाय एमाइलेज एंड फर्टिलाइजेशन इज डन बाय लाइपेज। तो ए मैच विद सेकंड एंड बी मैच विद, ए मैच विद सेकंड एंड बी मैच विद फोर्थ, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 56 इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, ट्रेकिया डिवाइड्स एट विच लेवल ऑफ थोरसिक वर्टिब्रा, तो ट्रेकिया फिफ्थ थॉरसिक वर्टिब्री की लेबल से दो ब्रांचों में राइट
प्राइमरी ब्रांकी और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकी में डिवाइड होती है। तो ट्रेकिया डिवाइड एट द विच लेबल ऑफ थोरसिक वर्टिब्रा इज ए फिफ्थ थोरसिक वर्टिब्री। सो 57 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, कार्टिलेजनस रिंग्स फाउंड अप टू। तो कार्टिलेजनस रिंग हाफ सी स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रांकी तक पाया जाता है। इनिशियल ब्रांकी तक पाया जाता है। सो कार्टिलेजनस सीरिंग्स आर फाउंड इन अप टू इनिशियल ब्रांकियोल। सो 58 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 59, कंडक्टिंग पार्ट एक्सटेंड टू। तो बच्चों एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रांकियोल तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है और इसके बाद एक्सचेंज पार्ट की शुरुआत होती है। सो कंडक्टिंग पार्ट एक्सटेंड अप टू टर्मिनल ब्रांकियोल। सो 59 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 60, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फियर एयर टेक प्लेस एट। तो एटमॉस्फियरिक एयर और ब्लड के बीच में CO2 का जो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन से टेक प्लेस होता है वो बेटा साइट एल्वियोलाई कहलाती है और यहां पर ट्रिपिंग लेयर्ड रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है। स्क्वमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल की एंडोथीलियम तीनों मिलकर रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन को बनाती हैं और यही डिफ्यूजन टेक प्लेस होता है। सो एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर टेक प्लेस इन एल्वियोलाई। सो 60 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय। तो इंस्पायरेशन के लिए हमें दो तरह के कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज डायाफ्राम एंड सेकेंड इज स्पेशल मसल्स विच इज कार्ड्स एज ए इंटरकॉस्टल मसल्स। जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। व्हेन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो रिब अपवर्ड मूवमेंट में जाते हैं जिससे थोरसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। लेकिन डायाफ्राम का इंस्पायरेशन होता है तो इंस्पायरेशन में रोल प्ले करने वाली मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशिएट इंस्पायरेशन का कौन करता है तो
इंस्पायरेशन का इनिशिएशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम से होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम. क्वेश्चन नंबर 62. The volume of the tidal volume per minute is approximately. नॉर्मल ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम एयर का लिया जाए और छोड़ा जाए उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. और टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, बट पर मिनट ब्रीथिंग होती है 12 to 16 times. सो पर मिनट टाइडल वॉल्यूम हमें मिलता है 12 into 500 to 16 into 500, तो 6000 to 8000 ml. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 62 इज ऑप्शन सेकेंड, 6000 to 8000 ml. क्वेश्चन नंबर 63. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू, बच्चों फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है ERV प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी. सो फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिड्यूअल वॉल्यूम. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 63 इज ऑप्शन फर्स्ट. How much air remain in lungs after forcefully inspiration? बेटा एयर का वो अमाउंट जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में रह जाता है, ऐसी कंडीशन को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. और जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो बच्चों 1100 to 1200 ml होता है. तो जो हाउ मच एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1100 to 1200 ml. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 64 इज ऑप्शन थर्ड. क्वेश्चन नंबर ऑफ 65. द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज हायर देन O2. तो सॉलिबिलिटी CO2 की सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और ये लगभग 20 to 25 times मोर होती है देन ऑक्सीजन. सो सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज हायर देन O2 20 to 25 times. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 65 इज ऑप्शन टू. क्वेश्चन नंबर 66. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलर एयर. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 alveoli is 104 mmHg, but in blood 96 mmHg. So partial pressure, of O2 and alveoli is 104 mmHg. So correct option is option
फर्स्ट 159 mmHg इन एटमॉस्फियर, 67 गिल्स आर नॉट फाउंड इन रिस्पायरेशन ऑफ विच मैमल्स, गिल्स एक्वाटिक एनिमल्स में रिस्पायरेशन को परफॉर्म कराते हैं, गिल्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म कराते हैं, तो प्रॉन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, बट अर्थवर्म एंड कॉकरोच आर नॉट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन अर्थवर्म क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, इन कॉकरोच ट्रेकियल रिस्पायरेशन, सो गिल्स आर नॉट रिलेटेड विद अर्थवर्म एज वेल एज कॉकरोच, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 67 इज ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 68, स्किन फॉर रिस्पायरेशन इन विच एनिमल, कौन से एनिमल में रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन स्किन के थ्रू होता है, अगर रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू होता है तो इसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं, और रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू फ्रॉग में देखने को मिलता है, हाउस फ्लाई कॉकरोच प्रॉन बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड, कॉकरोच में रिस्पायरेशन ट्रेकिया के थ्रू होता है बट फ्रॉग में स्किन के थ्रू, तो 68 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. द वैल्यू ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज ए कैपेसिटी विच आर शोन बाई ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी 1000 to 1100 but RV is 1100 to 1200, so FRC is 2100 to 2300, so correct option of the 69 is option first. At which partial pressure of the O2 saturation of hemoglobin occurs? So hemoglobin present in blood, in blood PO2 is 95 mmHg, so saturation of hemoglobin take place at 95 mmHg, so correct option is 70 is option second. Question number 71, under normal condition every 100 ml oxygenated blood can deliver how much oxygen? 100 ml blood की जब बात करते हैं तो 100 ml blood normal condition में 5 ml O2 की delivery करता है और 4 ml CO2 को की डिलीवरी करता है. सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन,
100 ml oxygenated blood deliver 5 ml O2. So correct option of the 71 is option 4. How much CO2 is carried as carbaminohemoglobin? कितना परसेंट CO2 कार्बाएमिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करती है? तो जब बात हम लोग CO2 की करते हैं तो मैक्सिमम CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वो भी 70% ट्रेवल करती है, और 20-25% इन फॉर्म ऑफ कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन एंड 8% इन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा. सो एस CO2 ट्रेवल्स एस कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन इज 20-25%. So correct option of the 72 is option first. Every 100 ml of the deoxygenated blood deliver how many CO2? तो जब बात 100 ml blood की delivery की करते हैं तो ये 5 ml O2 को deliver करता है और 4 ml CO2 की डिलीवरी होती है. तो इन केस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवरी ऑफ हाउ मच CO2 इज 4 ml. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 73 इज ऑप्शन फर्स्ट. विच वन इज कॉल्ड एज ए साउंड बॉक्स? तो साउंड बॉक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स which is called as a larynx. So larynx is called as a sound box. So correct option is option fourth. Pneumotoxic center present in. Pneumotoxic center हिंड ब्रेन के पॉन्स रीजन में पाया जाता है, पॉन्स रीजन में पाया जाता है जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को अल्टर करता है. तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स. तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 75 इज थर्ड, पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 76. द डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग इज कॉस्ट बाई. अगर सिगरेट स्मोकिंग से एल्वियोली की वॉल डैमेज होती है तो ऐसी कंडीशन को एम्फाइसीमा कहते हैं. एम्फाइसीमा कहा जाता है. इट इज नॉट ए एक्स्ट्रा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, इट इज नॉट ए अस्थमा, इट इज नॉट ए जॉन्डिस, केस ऑफ एम्फाइसीमा. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 76 इज ऑप्शन थर्ड. विच इज कॉमन बिटवीन पैरट एंड प्लेटिपस कंगारू? कौन सी करेक्टरिस्टिक पैरट, प्लेटिपस और कंगारू में कॉमन होती है? तो पैरट, प्लेटिपस, कंगारू belongs to bird and mammals. Both are warm-blooded. Both are warm-blooded, shows homeothermy. So they have jaw, but some jawless, but functional post-anal canal. Not oviparity, it is a case of
होम्योथर्मी. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 77 इज ऑप्शन फोर्थ. विच इज कॉमन करेक्टरिस्टिक इन बोथ ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग. ह्यूमन और एडल्ट फ्रॉग में कौन सी एक्टिविटी कॉमन है? ह्यूमन बींग में तो फोर चैम्बर हर्ट पाया जाता है बट फ्रॉग हैव नो फोर चैम्बर हर्ट. ह्यूमन बींग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है बट फ्रॉग हैव नो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फ्रॉग हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी बट ह्यूमन बींग हैव नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी बट बोथ आर यूरियोटेलिक. बोथ आर यूरियोटेलिक. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 79. अरेंज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जरा नेफ्रॉन को अरेंज करना है. तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर जब फोकस करते हैं तो सबसे पहले हमें ग्लैमेरुलस देखने को मिलता है और ग्लैमेरुलस के बाद जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं. बोमेन कैप्सूल के बाद हमें पीसीटी देखने को मिलती है. पीसीटी के बाद हमें हेनले लूप देखने को मिलता है और हेनले लूप के बाद हमें डीसीटी देखने को मिलती है. तो आइए जरा करेक्ट सीक्वेंस को देखें. फर्स्ट ग्लैमेरुलस, देन बोमेन कैप्सूल, देन पीसीटी, देन हेनले लूप, देन डीसीटी. तो 79 के इस अरेंजमेंट में हमें ऑप्शन सेकंड दिखाई पड़ता है. तो 79 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड. क्वेश्चन नंबर 80. रीड केयरफुली, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. करेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट सेलेक्ट करना है. तो इन केस ऑफ 80, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव स्मॉल हेनले लूप. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग हेनले लूप होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. पीसीटी एंड डीसीटी सिचुएटेड इन मेडुला पार्ट ऑफ किडनी. पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स में पाई जाती है, मेडुला में नहीं. सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. द ग्लैमेरुलस इनक्लोजेस द बोमेन कैप्सूल. नहीं, बोमेन कैप्सूल इनक्लोज ग्लैमेरुलस. सो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो फॉल्स. बट असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप एक्सटेंड इन डीसीटी. हेनले लूप का असेंडिंग लिंब डीसीटी को फॉर्म करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 80. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ. 81. ADH कंट्रोल वाटर परमिएबिलिटी. ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहलाता है. एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहलाता है और ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है बट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस और ये काम करता है डीसीटी और कलेक्टिंग टबूल पर. सो एडीएच कंट्रोल वाटर परमिएबिलिटी ऑफ नॉट हेनले लूप नॉट पीसीटी. इट इज रिलेटेड विद लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल. लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल कॉल्ड डीसीटी एंड कलेक्टिंग टबूल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 82. एंटीनल ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी
स्ट्रक्चर फाउंड इन एंटीनल ग्लैंड को ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं और एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन हमें क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है और क्रस्टेशियंस के एग्जाम्पल के तौर पर प्राण को याद रखते हैं। सो फ्लेम सेल के थ्रू एक्सक्रीशन प्लेनेरिया में, नेफ्रीडिया के थ्रू अर्थवाम में, मेलपीजियन टबूल के थ्रू काकरोच में, बट एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड के थ्रू प्रॉन में एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू। ग्लैमेरुलस अलोंग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड एस। ग्लैमेरुलस बोमन कैप्सूल को के साथ मिलकर रीनल कार्पसल्स को भी बनाता है और इसे हम लोग मेलपीजियन बॉडी भी कहते हैं। सो केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 83, ग्लैमेरुलस अलोंग विद बोमन कैप्सूल कॉल्ड एज रीनल कार्पसल्स एज वेल एज मेलपीजियन बॉडी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन 83 इज ऑप्शन फोर्थ। 84, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है? तो 84 के केस में GFR द हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 125, तो एक हेल्दी पर्सन में पर मिनट 125 ml GFR बनता है, पर डे 180 लीटर बनता है, जिसका केवल 1% के आसपास यूरिन में कन्वर्ट होता है। यूरिन 1.5 लीटर पर डे रिलीज होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, द यूरिन रिलीज पर डे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर ट्रू। पीसीटी में 70-80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 85, लेंथ ऑफ द ईच किडनी इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग में किडनी होती है, ये बीन शेप स्ट्रक्चर मिला था। जो बीन शेप स्ट्रक्चर मिला था वो 10-12 सेंटीमीटर लेंथ में और 5-7 सेंटीमीटर विड्थ में और 2-3 सेंटीमीटर थिकनेस में मिला था। सो अकॉर्डिंग टू लेंथ 10-12 सेंटीमीटर, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 85 इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 86, विच डिसीज इज रिलेटेड विद मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। कौन सी डिसीज किडनी के मैल फंक्शनिंग से जुड़ी है? तो जरा बात करते हैं। फर्स्ट केस इज पॉलीयूरिया, सेकेंड इज कार्ड डाइसूरिया, थर्ड इज ग्लैमेरोनेफ्राइटिस। अगर इनफ्लेमेशन इन ग्लैमेरुलस, तो ऐसी कंडीशन ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाती है। और अगर डिफिकल्ट यूरिनेशन हो तो कंडीशन डाइसूरिया कहलाती है। और अगर इनक्रीज्ड यूरिनेशन हो तो कंडीशन पॉलीयूरिया कहलाती है। सो पॉलीयूरिया, डाइसूरिया, ग्लैमेरोनेफ्राइटिस ऑल आर रिलेटेड विद मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। इन ईच किडनी हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट।
कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन एंड बोथ किडनी हैव 2 मिलियन नेफ्रॉन, सो ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 87 इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, इन केस ऑफ 88 इट इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ए इज रिप्रेजेंटेड बाय रीनल आर्टरी एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय रीनल पेल्विस एंड सी इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरेटर। सो जरा करेक्ट मैचिंग को आप सेलेक्ट करें। 88 करेक्ट मैचिंग इज ए रीनल आर्टरी, बी रीनल पेल्विस एंड सी यूरेटर, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 88 इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन इज इनकरेक्ट मैचिंग, इनमें से कौन मैचिंग इनकरेक्ट है, डीसीटी फाउंड इन मेडुला, पीसीटी फाउंड इन मेडुला, ग्लोमेरुलस फाउंड इन मेडुला, डीसीटी, पीसीटी, ग्लोमेरुलस, ये तीनों स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स जोन में मिलते हैं, मेडुला में नहीं, बट हेनले लूप मेडुला में देखने को मिलता है, सो ऑल आर द इनकरेक्ट मैच, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 89 इज ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 90, If ADH level of the blood is less, अगर ADH का level less होगा blood में, तो क्या कौन सी condition exist करती है? ADH anti-diuretic hormone होता है, anti-diuretic hormone होता है, और अगर इसका level कम हो जाएगा, तो फिर वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज कर जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 90 इज ऑप्शन फर्स्ट। That's it.